आज यहाँ हमारे आर्मी कब्रिस्तान के अंदर विराटनगर में कमेटी के इंतजा पर सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब के बोलने पर विनय रेड्डी साहब और चेयरमैन साहब आर्मी के और हमारे कौंसल मुन्नु भाई फयाज इम्तियाज और मोहल्ले के हमारे मुजम्मिल रहीम साहब और हमारे रफी साहब, ये सब के इंतजा पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कब्रिस्तान के अंदर बोलते ही हमारे विनय अन्ना साहब चेयरमैन साहब को बोले, चेयरमैन साहब बोलते ही दिन के अंदर हमको मोरम वहाँ पर दे दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। ये कांग्रेस पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए जो कुछ भी काम हो विनय अन्ना को बोलते ही चेयरमैन साहब की तला होती है, फिर चेयरमैन साहब हमारे लिए काम कर लेते हैं। मैं चेयरमैन साहब का कमेटी की तरफ से तमाम काउंसलरों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बोलने पर दो तीन दिन के अंदर हमारे पास मोरम भेजा दिए। बहुत ही खुशी की बात है, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विराटनगर की जी पी कमेटी की तरफ से विनय रेड्डी साहब का और म्यूनसिपल चेयरमैन साहब का, म्यूनसिपल का काउंसलर, माइनॉरिटी काउंसलर का सबका शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे बोलने के एक दो दिन में जो है ना हम लोग यहाँ पे मुहर्रम बहुत ज़रूरत थी, वो लोग हम लोग यहाँ पे आज मुहर्रम जो है ना पहुँचा दी है। मैं और एक बार जो है ना इन लोग का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी की तरफ से और तमाम विराटनगर के नौजवानों की तरफ से। आज सुबह 8 बजे विनय अन्ना फ़ोन करे कि मोनू हाँ मुहर्रम चल रही, मुहर्रम के वास्ते इससे पहले भी तुम 8 दिन पहले ही बोले थे मुहर्रम पहले तुम्हारे वहाँ कब्रिस्तान में डालो, डालने के बाद फिर वाटा में चालू करेंगे। अगर वहाँ अगर वाटा में अगर तकलीफ हो रही तो पहले यहाँ करेंगे। बल्कि विनय अन्ना फ़ोन करे और हमारे चेयरमैन साहब को काउंसलर सबको माइनॉरिटी काउंसलर को ले जाके खड़े रह के काम करा बोल के विनय अन्ना फ़ोन करे। विनय अन्ना का बहुत बहुत शुक्रिया और जो हमारे कमेटी के सदर साहब मोहतमर साहब तो मिल के खड़े रह के काम करा रहे, ऐसा जो होना बल्कि साफ सफाई को भी एक बार हमारे आना जो कब्रिस्तान के साफ सफाई को भी एक बार ऐसा जमा को जरा 2-3 बुलेटिन दिए तो वो भी साफ होगा, तो बहुत शुक्रिया अन्ना का शुक्रिया। 36 वार्डलो मुहर्रम स्टार्ट इकड़ते विनायक चवती उद विनायक चवती सदर्भंग रोड मो कुछ वर्षाल खराबाई दादा भाग में मन मोनने वर्षा तग्ना ఈ మొరమ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు 1, 2, 3, 4 అట్లాగే 14 15 16 వార్డులలో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది। అదే విధంగా మా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయ రెడ్డి అన్నగారికి ఈ కబ్రస్తాన్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పగానే అన్నగారు నాకు కూడా ఫోన్ చేశారు, ఫోన్ చేసి ఆ సమస్య ఏముందో అంటే వచ్చి చూసినాం, కొద్ది ప్రాబ్లం ఉంది దాంట్లో ఒక కొద్ది మొరమ్ వస్తున్నాం, అది ఏదైతే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మేమందరం వచ్చినాం, మా వైస్ చైర్మన్, మా కౌన్సిలర్ ఫయాజ్ ఇంతియాజ్, అలాగే అతిక్ భాయ్, మిగతా ఈ కమిటీ సభ్యులందరూ ఆధ్వర్యంలో ఇందులో కొద్ది మొరం కూడా పోసి శుద్ధి చేస్తాం। మా వైస్ చైర్మన్ చెప్పినట్టు ఇదంతా ఇప్పుడు పిచ్చి మొక్కలు మొలిచింది ఉంది, వర్షాలు పడినాయి కాబట్టి తగ్గంగానే దాన్ని కూడా క్లీన్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం।